तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डीजिंग से रिलेटेड। तो आज हम इस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं डीजे के लिए कौन सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। इसके लिए यदि आप डीजे हैं तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर पता होने चाहिए और यूज करते भी आने चाहिए। इसके अलावा मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो इस रिलेटेड मैं आपको वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो वेलकम बैक टू माई चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते रहिए जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, मैं डीजे के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसका नाम है रिकॉर्डबॉक्स सॉफ्टवेयर। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट जो मेन एडवांटेज है मैं आपको वह बता देता हूँ। तो इसमें आपको दो प्रकार के मोड देखने को मिलते हैं। तो पहले जैसे ये कि आपको कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, आपकी प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज करनी है, तो एक्सपोर्ट मोड उसके लिए बहुत बेस्ट रहता है। इसमें आपको सब ब्राउजर रिलेटेड ट्रैक्स, इसके अलावा यहाँ पर पैलेट का ऑप्शन और भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। यदि आपको सीडीजे में पेन ड्राइव बनानी है, वहाँ पर आपके पास जैसे मेटा डाटा मतलब कि हॉटकी लूप के साथ पेन ड्राइव आपको एक्सपोर्ट करनी है, तो बहुत अच्छे से इस सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पाइनो के जो हार्डवेयर है मतलब जो कंट्रोलर्स हैं उनके सब कुछ सपोर्ट देखने को मिलता है, तो बहुत इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं पाइनर के। और आपको पता होगा सब जगह क्लब में आपको पाइनर के जो कंट्रोलर वही देखने को मिलते हैं, सीडीजे मिक्सर वही देखने को मिलते हैं, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है रिकॉर्ड बॉक्स के लिए। तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर को। इसके बाद जो मैं दूसरा सॉफ्टवेयर है जो मैं म्यूजिक के लिए यूज़ करता हूँ, बेसिकली जब भी मुझे प्री रिकॉर्डेड मिक्सटेप बनाने होते हैं या डीजे एडिट्स बनाने होते हैं या थोड़ा सा मुझे डीजे रिलेटेड कुछ काम करना होता है म्यूजिक में, तो मैं यूज़ करता हूँ एबिल्टन सॉफ्टवेयर को। तो या तो बेसिकली डो है तो आप बहुत अच्छे से म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, बट छोटे छोटे काम के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से मिक्सटेप बना सकते हैं। आपको मैंने बताया भी, यदि आपको सीखना है तो मेरे आप यह वीडियो देख लीजिएगा जिसमें आप बहुत अच्छे से मिक्सटेप बना सकते हैं। इसमें आपको प्लगइन भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है जो कि एबिल्टन के साथ ही आती है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर जिसे मैं हमेशा यूज करता हूँ उसका नाम है कैनवा। अब बेसिकली मुझे किसी प्रकार की मेरे डीजे रिलेटेड जैसे कि मुझे कोई प्रकार का फ्लायर बनाना है अपनी ब्रांडिंग के लिए, इसके अलावा मुझे बिजनेस कार्ड बनाना है, मुझे प्रोफाइल बनानी है, तो बहुत इजी सॉफ्टवेयर है कैनवा। इसके अलावा फ्री भी है, तो आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे किसी प्रकार की एडिटिंग करनी होती है, जैसे कि मुझे थंबनेल बनाना हो, तो यह बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसे मैं यूज़ करता हूँ, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ सॉफ्टवेयर है जिसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ उसका नाम है OBS। अब जैसे कि मुझे किसी प्रकार की यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी हो, किसी प्रकार के जैसे कि क्या होता है डीजे सेट हमें रिकॉर्ड करना होता है, कभी कभी हमें इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करनी है सॉफ्टवेयर में, हमें बाहर से रिकॉर्ड करनी है, साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है मुझे लगता है वह है हमारे पास यहाँ पर OBS। इसे बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वह भी मैं OBS से ही कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम इसमें कर सकते हैं। जैसे आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, आपको स्ट्रीमिंग करनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको चलाना भी बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा मुझे लगता है, और इसमें सारे काम भी आपको होते हुए दिख जाएंगे। तो यह बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको जरूर यूज कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ सॉफ्टवेयर है उसका नाम है डिविंची रिजोल्व। अब बेसिकली इसे मैं यूज करता हूँ अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे किसी प्रकार की वीडियो एडिट करनी होती है, तो मैं इसी सॉफ्टवेयर करता हूँ। तो बेसिकली मैं इसका यूज क्यों करता हूँ, तो कई बार मुझे ग्रीन स्क्रीन का यूज करना होता है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से जो ग्रीन स्क्रीन है उसे हटा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, बट किसी किसी में आपको कुछ अलग प्रकार की स्क्रीन देखने को मिलती है, उतनी इमेज क्वालिटी अच्छी देखने को नहीं मिलती। तो इसमें आप बहुत अच्छे से जो कलर की बात है, जो आपकी वीडियो क्वालिटी की बात है, मुझे लगता है यदि आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर होने वाला है। बट यह थोड़ा पावरफुल CPU मांगता है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आपके ज़्यादा होने चाहिए आपके CPU में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारा सिक्स सॉफ्टवेयर है जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ उसका नाम है सेंड एनीवेयर। तो इसके द्वारा बहुत लार्ज फाइल को भी आप सेंड कर सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, एक बार में आप 10 GB तक की फाइल सेंड कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास और भी बहुत सारी वेबसाइट है जैसे कि वी ट्रांसफर, इसमें वहाँ पर आपको 2 GB तक कहीं पर डे आपको सेंड कर पाएंगे फ्री वाले में, बट यहाँ पर फ्री में आप एक बार में 10 GB तक कर सकते हैं और उसके बाद भी आप और सारी फाइल सेंड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आपको पता होगा मैं अपनी जो प्लेलिस्ट है वह सेल करता हूँ, तो यह मुझे बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लगता है, बहुत ईजी टू यूज़ है। तो आप बहुत अच्छे से इसका यूज़ करके आप अपनी जो फाइल है वह सेंड कर सकते हैं किसी को भी, तो इस सॉफ्टवेयर को भी जरूर यूज़ कीजिएगा आप। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बाद हम बात करने वाले हैं थोड़ी वेबसाइट के बारे में जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो इसके बाद जो मेरी 7th वेबसाइट है उसका नाम है LALALA.AI, लालालाई भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसका मैं यूज़ करता हूँ एकापेला एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो बहुत अच्छा भी एकापेला आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिखता है, तो इस वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं यदि आपको एकापेला एक्सट्रैक्ट करना हो। इसके अलावा जो हमारी 8th वेबसाइट है, तो जैसे कि आपको पता होगा एक मैं यूट्यूबर हूँ और जैसे कि आप कैनवा में
में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है यदि आपको PNG फाइल का यूज़ करना होता है। तो मैं PNG फाइल के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पर एक penguin.com में करके एक वेबसाइट है, आप उसे यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी PNG देखने को मिलती है इमेजेस, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ में और बहुत सारी जगह पर आप अपने यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप भी चेक कर सकते हैं यदि आपको PNG की ज़रूरत होती हो। तो इसके अलावा जो हमारी 9th वेबसाइट है जिसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, उसका नाम है getMP3। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे किसी प्रकार की यहाँ पर मुझे फाइल को कन्वर्ट करना होता है YouTube से, आप अच्छे से लिंक पेस्ट करके आप डिफरेंट फॉर्मेट में आप यहाँ से फाइल आपकी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं यदि आपको कन्वर्ट करना हो किसी फाइल को। तो इसके अलावा जो हमारी 10th वेबसाइट है जिसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास विंडो रहता है और आपके पास मैक रहता है, आप उनमें दोनों में फॉर्मेट किसी किसी में नहीं चलते हैं। आपके पास जो मैक में जो फॉर्मेट है वह कई बार विंडो में नहीं चलता है, कई बार विंडो के फॉर्मेट है वह मैक में नहीं चलते हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ क्लाउड कन्वर्टर को। तो यह बहुत अच्छा कन्वर्टर है, आप ऑनलाइन ही बहुत अच्छे से जो आपकी फाइल है वह कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो आप इसका यूज़ करके आप चेक कीजिएगा, मुझे लगता है यह बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो गाइस कुछ यह इस प्रकार की जो वेबसाइट थी, मुझे लगता है मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, तो मुझे लगता है आप इसको जान के आप भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वो जितनी मैंने सारी चीज़ें बताई है मोस्टली फ्री है, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। सो गाइस मुझे लगता है इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन बटन दबा दीजिए जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।